नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर में ईएफएम पेपर प्रथम के अंतर्गत ग्रामीण विकास एवं सहकारिता में रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन के अंतर्गत यूनिट संख्या फिफ्थ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर अध्ययन कर रहे हैं कि राजस्थान राज्य या शीर्ष सहकारी बैंक के बारे में पढ़ रहे हैं, राजस्थान स्टेट अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है कि राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के वित्त के स्रोत कौन कौन से हैं। पिछले वीडियो में हमने इसी चैप्टर में चर्चा की थी कि राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की क्या उद्देश्य, स्थापना के क्या उद्देश्य रहे, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है और इसकी संगठन प्रणाली किस प्रकार की है। तो हम आज इसी क्रम में राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के वित्त के स्रोत देखें कि इसके फाइनेंस के स्रोत ऐसे कौन कौन से हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करें हिस्सा राशि व अंश पूंजी की। हिस्सा राशि व अंश पूंजी राजस्थान राज्य व शीर्ष सहकारी बैंक के अंतर्गत हिस्सा राशि व अंश पूंजी में हम किसी भी बैंकिंग संस्थान की हिस्सा राशि व निजी कोष उस संस्थान की आर्थिक क्षमता को दर्शाते हैं। हिस्सा राशि व निजी कोषों का महत्व भी वर्तमान परिदृश्य की ओर से अधिक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब तो नरसिंह समिति सेकंड के द्वारा भी ग्रामीण सहकारी बैंकों की पूंजी पर्याप्तता अनुपात में मापदंड लागू किए जाने की सिफारिश की जा चुकी है और बैंक के सदस्यों द्वारा जो अंश खरीदे गए हैं या खरीदे जाते हैं या उनसे प्राप्त धनराशि या अंश हिस्सा पूंजी कहलाती है। मेहता समिति के में भी बैंकों की अंश पूंजी में वृद्धि करने के लिए सुझाव दिए गए हैं। इन समितियों के बैंकों से प्राप्त होने वाले जो ऋण में 20% से बराबर मूल्य के अंश खरीदने के लिए या मूल्य के अंश खरीदने चाहिए। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के शीर्ष बैंक्स की जो तालिकाएं हैं 2011-12 से 12-13 और 14 के बीच में बढ़ोतरी हुई है। तो इस प्रकार राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की हिस्सा राशि एकत्रित करने की ओर से विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है, जिसमें मुख्यतया न केवल राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी अपितु निकट भविष्य में लागू किए जाने वाले पूंजी पर्याप्तता अनुपात या मापदंडों की पूर्ति के लिए भी ये आवश्यक सिद्ध होगी। तो इस प्रकार से नेक्स्ट है जमाएं, डिपॉजिट्स। जमाओं के अंतर्गत हम बात करें तो बैंक द्वारा ग्राहकों से प्राप्त जमाएं उसकी कार्यशील पूंजी की पूर्ति में सबसे अच्छा साधन मानते हैं, इसलिए बैंक द्वारा अपनी जमाओं में वृद्धि के लिए पूर्ण ध्यान दिया जाता है। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक द्वारा हर प्रकार की जमाएं स्वीकार की जाती है और ग्राहकों को हर प्रकार की बैंकिंग सुविधाएँ भी उपलब्ध करवाई जाती हैं ताकि बैंक की जमानतों में प्राप्त वृद्धि हो सके और ग्राहकों की जमानतों के विरुद्ध ऋण सुविधाएं उपलब्ध हो सके और जमाई सदस्य संस्थाओं से, अन्य संस्थाओं से, जनता से प्राप्त भी हो सके। तो राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की स्थापना से लेकर अब तक कुल जमाओं में काफ़ी वृद्धि हुई है। कुल जमाओं में 1996 से लेकर के 97 तक लगभग 3,51.48 करोड़ की वृद्धि हुई, जो कि 2009 से 10 तक लगे 2,576.41 करोड़ और 2014-15 से लेकर के 30 सितंबर 2014 तक बढ़कर 4,895.56 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार राजस्थान राज्य सहकारी बैंक द्वारा इन जमानतों में वृद्धि होने से उद्देश्यों के स्वयं बैंक या राजस्थान सरकार द्वारा सम्मिलित अलग अलग रूप से विशेष प्रयत्न भी इसमें किए गए। वीडियो समाचार पत्रों के विज्ञापन को देकर भी जमाएं आकर्षित करने में प्रचार प्रसार किया जा रहा है और वर्ष
1976 में राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी करके समस्त सहकारी संस्थाओं को स्वायत्त संस्थाओं में अपनी आधिक्य राशि 50% भाग लेने के लिए केंद्र सरकार के अतिरिक्त रिजर्व बैंक सहकारी बैंकों को अपनी अमानत राशि में वृद्धि करने के उद्देश्य से 1976 से शीर्ष सहकारी बैंकों या केंद्रीय सहकारी बैंकों के रूप में जमा बीमा योजना भी प्रारंभ की गई, जिससे ग्राहकों में 20,000 रुपये तक की राशि सुरक्षित रखी गई है, जिससे ग्राहकों की जमाओं में वृद्धि होना स्वाभाविक है, क्योंकि इसके सहकारी बैंकों में प्रति लोगों का विश्वास भी जागृत हुआ है। तो इस प्रकार से अगली है अंश पूंजी या इसके वित्त के स्रोत में ऋण पूंजी। ऋण पूंजी में लोन कैपिटल के अंतर्गत पूंजी का सबसे अधिक भाग ऋण पूंजी से प्राप्त किया जाता है, क्योंकि राजस्थान राज्य सहकारी बैंक द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, राजस्थान सरकार या अन्य स्रोतों से अल्पकालीन, मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। क्योंकि राजस्थान राज्य सहकारी बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋण इस प्रकार से हैं, जिसमें अल्पकालीन ऋण मुख्यतया महत्वपूर्ण तरीके से भूमिका का निर्वहन करते हैं, क्योंकि शीर्ष सहकारी बैंक अल्पकालीन ऋण जो सदस्य हैं उनको मुख्यतया इस प्रकार से तात्कालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वीकार किया जाता है, उनकी पूर्ति के लिए स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से अल्पकालीन ऋणों कृषकों के लिए फसल के लिए आवश्यक संसाधन, उत्तम किस्म के बीज, उर्वरक, खाद, बीज भंडार, बीज आदि खरीदने में काम आते हैं। ये फसल या ये ऋण फसल समय उपलब्ध करवाया जाता है और उसकी वसूली भी उसी फसल के विपणन द्वारा प्राप्त राशि से की जाती है। तो इस प्रकार बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करने के लिए नाबार्ड को ऋण साख सीमा आवेदन पत्र भेजना पड़ता है। अल्पकालीन साख सीमा के लिए बैंक को नाबार्ड द्वारा अनुमोदित आवेदन पत्र में ही आवेदन करना होता है, जिससे खास तौर से पिछले 3 वर्षों में वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ किया जा सके और उनको महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन वित्तीय स्थिति में एक अहम भूमिका का निर्वहन हो सके। क्योंकि अल्पकालीन कृषि ऋण साख सीमा को 1 वर्ष के लिए ही प्रदान किया जाता है, क्योंकि साख सीमा राजस्थान सरकार की गारंटी पर ही स्वीकृत किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में, ए श्रेणी के बे श्रेणी के उद्योग में ए श्रेणी में सहकारी बैंकों के कोषों को 3 गुना तक, विशेष परिस्थितियों में 4 गुना तक और बी श्रेणी के बैंकों को दी जाने वाली साख सीमा दुगुनी और विशेष परिस्थितियों में 3 गुने तक और सह श्रेणी के बैंकों में 2 गुणों तक साख सीमा स्वीकृत की जाती है, जो कि नाबार्ड वर्सेस को अल्पकालीन ऋण देकर कम से कम दर पर प्रदान किया जाता है। क्योंकि शीर्ष बैंक के द्वारा इस बैंक को केंद्रीय सहकारी बैंक नाबार्ड के दिशा निर्देशानुसार ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाता है। तो इस प्रकार से राजस्थान राज्य सहकारी बैंक विगत वर्षों में सर्वाधिक मात्रा में नाबार्ड और अल्पकालीन ऋण प्रदान किए जाते हैं, जबकि राजस्थान राज्य सहकारी बैंक ऋण बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो पाते हैं। तो इस प्रकार से ये लोन की प्रक्रियाओं में भी एक अहम भूमिका है, ये भी इसके स्रोतों में शामिल है। तो ऋण पूंजी में मैंने आपको बताया अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। मध्यकालीन ऋण की हम बात करें तो मध्यकालीन ऋण में राजस्थान राज्य सहकारी बैंक अल्पकालीन ऋण के अतिरिक्त मध्यकालीन ऋण भी प्राप्त करता है, जो कि इस ऋण की अवधि 3 से 5 वर्ष तक डिसाइड की गई है। तीन वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक होती है। यह ऋण मुख्यतः कुआं बनवाने, पशुधन खरीदने, कुएं की पंपिंग सेट करवाने और बैलगाड़ी खरीदने, पशुओं के लिए टीन सेट लगवाने, मुर्गी पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, औजार खरीदने आदि हेतु काम में लिया जाता है। दूसरा है बैंकों की मध्यकालीन ऋण पुनर्भरण भी इसमें प्राप्त होता है। किस प्रकार से कि
सबसे पहले शीर्ष बैंक स्वयं के कोष में केंद्रीय सहकारी बैंकों को ऋण देता है और उसके बाद में अग्रिम दिए गए ऋण के अंतर्गत पुनर्भरण नाबार्ड या राजस्थान सरकार व्यापारी विज्ञान स्रोतों से स्वीकृत साख सीमा के अंतर्गत प्राप्त करता है। इस प्रकार ऋणों के लिए गैर अवधि पर ऋणों की सीमा अवधि को पुनर्भरण करने का भी एक प्रावधान इसमें रखा गया है कि इस सीमा तक निर्धारण एक वर्ष के लिए स्वीकृत की जाती है, क्योंकि बैंक द्वारा मध्यकालीन ऋण साख सीमा आवेदन प्राप्त करने के आधार पर इनको क्रियान्वित किया जाता है। दीर्घकालीन ऋण की बात करें तो राजस्थान में दीर्घकालीन ऋण सहकारी बैंक अल्पकालीन मध्यकालीन ऋण के अतिरिक्त दीर्घकालीन ऋण भी प्रदान किया जाता है, क्योंकि कृषि स्थायी तौर से सुधार करने के लिए कृषि क्षेत्र में या कृषि कार्यों को में भी एक अहम भूमिका है, क्योंकि भूमि को रहन मुक्त करने या ट्रैक्टर या अन्य यंत्र खरीदने, नलकूपों का निर्माण करने लंबी अवधि के ऋणों की आवश्यकता होती है, क्योंकि दीर्घकालीन साख के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये ऋण सामान्यतः 5 से 15 वर्षों की अवधि तक दिए जाते हैं। कुल ऋण एक दीर्घकालीन के बाद में कुल ऋण भी इसके वित्त स्रोत में आते हैं। कुल ऋण के अंतर्गत मुख्यतया 2009 से 2013 तक कुल ऋणों के राशि का विन्यासित किया गया। 2009 से 10 तक लगभग 1677.35 करोड़ की राशि निर्धारित की गई और 13-14 में इसी राशि की हम बात करें तो 13-14 में लगभग 5403.6 करोड़ रुपए दिए गए। अगला है ऋण प्रदान करना, इसका एक वित्तीय स्रोत में है ऋण प्रदान करना। ऋण प्रदान करना लोन ऑपरेशन में, क्योंकि सामान्यतः शीर्ष बैंक केंद्रीय सहकारी बैंकों को ऋण प्रदान करने के लिए मुख्य रूप से नाबार्ड से ऋण प्रदान करना होता है। वह अपने साधनों से सहकारी समितियों को भी ऋण प्रदान करता है। शीर्ष बैंक में ऋण प्रदान करने के लिए सहकारी समितियों को बैंक के अंश खरीदने होते हैं, क्योंकि राज्य सहकारी बैंक विभिन्न सहकारी बैंकों को अलग अलग साख सीमा के आधार पर ऋण देते हैं। शीर्ष बैंक सहकारी बैंकों का अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन ऋण भी प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार अल्पकालीन ऋण और दीर्घकालीन और मध्यकालीन ऋण में भी इनकी एक अग्रणी भूमिका रही है। किस प्रकार से अल्पकालीन ऋण के अंतर्गत इसकी अवधि 3 से 12 माह की होती है और ये ऋण मुख्यतया नाबार्ड के दिशा निर्देशानुसार उनके संचालक मंडल द्वारा पारित किया जाता है एक निश्चित राशि के आधार पर, जो कि महत्वपूर्ण रूप से विशेष बातों को ध्यान में रख के दिया जाता है। मध्यकालीन ऋण 2 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष की अवधि के लिए दिए जाते हैं। इसमें वसूली आसान किस्तों से होती है। ये ऋण कुओं की मरम्मत करवाने, औजार खरीदने, मुर्गी पालन, बकरी भेड़ पालन आदि के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से ऋण पूंजी में ऋण प्रदान करना भी एक अहम है। दीर्घकालीन ऋण में मैंने बताया कि दीर्घकालीन ऋण 5 वर्ष की अवधि के लिए, 5 वर्ष से अधिक अवधि से दिए जाते हैं, क्योंकि भूमि की स्थायी सुधारने के लिए, स्थायी संपत्ति को क्रय करने के लिए सामान्यतः शीर्ष बैंक द्वारा ये ऋण देने होते हैं। तो दीर्घकालीन ऋणों की दायित्व है भी भूमि विकास बैंकों पर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के लिए ऋण वितरण करना जितना महत्वपूर्ण कार्य है, ऋणों की वसूली भी उतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वसूली के आधार पर ही आगे के वर्षों में ऋण का भुगतान का वितरण का कार्यक्रम किया जाता है, क्योंकि बैंक इसी आधार पर अपने दायित्वों का भुगतान करता है। वास्तव में ऋण वसूली की सफलता प्रगति पर है, क्योंकि बैंक की सफलता निर्भर करती है, इसलिए बैंक समय समय पर आवश्यक कदम उठाता है। बैंक ने एक ऋण के लिए ऋण वसूली ही अपने गैर निष्पादित संपत्तियों के लिए न्यूनतम कर सकता है और कुछ राजनीतिक व प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होती है, इसलिए स्पष्ट भाव है कि ऋण वसूली की लापरवाही, न्यायिक विवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के आधार पर राजनीतिक अस्थिर व प्रकोप के कारण से वसूली की प्रमुख बाधाएं रही हैं। तो बैंक ऋण वसूली पर पूरा ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार राजस्थान राज्य सहकारी बैंकों के लाभों की भी हम बात करें तो कार्यकुशलता में वृद्धि करके कर्मचारियों को अधिक लाभांश उपलब्ध करवाया जाए, जिससे उनकी कार्य क्षमता व कार्य कुशलता में बहुत अधिक वृद्धि हो सके। तो बैंक की आय के स्रोतों में ऋण प्राप्त करना, ब्याज विनियोग प्राप्त करना, ब्याज व लाभांश अनुदान इसमें सम्मिलित हैं। इसके प्रमुख व्ययों में जमाओं, ब्याज का भुगतान करना, संचालन के व्यय करना, प्रबंध किए व्यय, बीमा आदि आते हैं। विगत वर्षों में भी बैंक के लाभों में वृद्धि के निम्नलिखित तालिका के द्वारा इसमें हम बताएँ, क्योंकि 2009 से लेकर के 10 तक 17.13.17
करोड़ रुपए दिए गए शुद्ध लाभ का, जिसमें 2013-14 से लेकर के 15.33। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट है कि बैंकों द्वारा भी अर्जित शुद्ध लाभ का हिस्सों में भी वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार हम आज के वीडियो में हमने चर्चा की राजस्थान सहकारी बैंक के वित्त के स्रोत कौन कौन से हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ राजफेड, जो कि राजफेड आपके चैप्टर अंतिम चैप्टर है, क्योंकि राजफेड से संबंधित चैप्टर में आपसे निबंध के रूप में भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, या राजफेड की भूमिका या इसके राजफेड की उद्देश्य, इसकी प्रमुख गतिविधियां कौन कौन सी हैं के बारे में प्रश्न पूछ लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम राजफेड। तब तक के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।